वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। हम एक और वीडियो लेके आए आप लोगों के लिए, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पास्ट ईयर का सवाल है, तो प्लीज इसे ध्यान से देखिए। सवाल हमारा ये, एक षष्ठभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2400, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2400 रूट थ्री है या रूट फाइव होगा, ये रूट थ्री है एक्चुअली, ठीक है, तो ये सम हाउ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा, तो ये 2400 रूट थ्री, ठीक है, 18.50 रुपए मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने का कुल मूल्य क्या होगा, तो इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए षष्ठभुजाकार मतलब होता क्या है, ठीक है, षष्ठी जैसे सबको पता होना चाहिए क्या होता है, तो षष्ठ मतलब होता है छह, तो ये इस तरीके का कुछ बनता है, ऐसे 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 ऐसे, या ये तो ये क्या, ये ठीक से बना नहीं, बट ये सारे बराबर हो गया, ठीक है। का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 2400 रूट थ्री, तो अगर हम ये सेंटर एक पकड़ लेते हैं और यहाँ से इस तरीके से सारे कोने को जोड़ देते हैं, तो ये देखिए छह त्रिभुज बन गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जो हर त्रिभुज इसमें बनेगा, क्योंकि ये षष्ठभुजाकार क्षेत्रफल षष्ठभुजाकार है, तो इसमें सारे बराबर होते हैं आपस में, ठीक है, तो ये एक समभाव त्रिभुज हो गया। तो मान लीजिए अगर एक भुजा ए है तो ये सारे भी ए होंगे, तो अगर ये एक समभाव त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर, ठीक है, कोई भी समभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है। अब क्या है इसमें हमारे पास कि कितने त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से गुणा कर देंगे तो कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा, और ये बराबर किसके होना चाहिए था, जो कि दिया हुआ है 2400 रूट थ्री, ठीक है, तो ये रूट थ्री आपस में कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2400 इंटू 4 बटा 6, ये 6 से कटा 400 बार में, ये हो जाएगा आपका 1600, जो कि हम लोग लिख सकते हैं 40 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया ए स्क्वायर, तो ए बराबर हो गया हमारा 40, तो त्रिभुजा कितना हो गया 40। अब हमें इसमें बाड़ लगाना है, तो बाड़ इसके ऊपर लगाएंगे, तो इसका हमें परिसीमा जानना है, तो परिसीमा कैसे निकालेंगे, अगर एक भुजा 40 है इसमें कितने भुजे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा है, तो हम लोग 6 गुने 40 कर देंगे, तो पूरा निकल जाएगा, ये हो गया 240 मीटर आ गया। अब 1 मीटर पे कितना खर्च हो रहा है, 18.50 रुपये, तो 240 मीटर पे कितना खर्च होगा, 18.50 × 240, तो इसे अगर हम लोग गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 4440, तो ऑप्शन नंबर ए पहला नंबर हमारा सही है, तो इस तरीके से इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, याद रखिएगा हर त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर होता है, अगर 8 दिया हो तो 8 से गुना कर दीजिएगा, 10 दिया हो 10 से गुना कर दीजिएगा, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास कोई और सवाल है तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर हमसे पूछ सकते हैं, प्लीज फेसबुक पेज को हमारे लाइक करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे आपको हर दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जीके की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगा वीडियो, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन दबाएं। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फ्रेंड्स।